हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? रिटायरमेंट में हम लोगों ने पिछली क्लास में चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के बारे में बात किया था, न्यू रेशियो, गिनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ, जहां पे हमने रिटायरमेंट कम एडमिशन की बातें की थी और बहुत सारी बातें हमने एक साथ की थी, हमने कई सारे क्वेश्चन भी आपको दिए थे करने के लिए। मुझे विश्वास है आपने कर लिया होगा। आज हमें नए टॉपिक में एंट्री करना था, दैट इज आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस इसका हो जाए जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने छोड़ा था बच्चे, हम उसी के साथ थोड़ा सा इसको ब्रशअप कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे, ठीक है ना? तो आइए जरा हम इसको मिटा दें पहले आपके लिए। ये हम पहले इसको मिटा दें, ये लीजिए, ये हमने यहाँ पर इसको मिटाया और अब हम नए टॉपिक में आपके साथ एंट्री करते हैं। जरा आओ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके साथ, नंबर आपका यहाँ पे है 8। हमारा चैप्टर चल रहा था मेरे बच्चे रिटायरमेंट डेथ, और इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का। मैं चाहता था कि एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को पिछली क्लास में छोड़ा था। तो पार्टनर्स ओल्ड न्यू, और यहाँ पर आपका आएगा गेनिंग रेशियो, क्योंकि मैंने बताया था कि जब रिटायरमेंट होता है तो पार्टनर्स गेन करते हैं। देखो ना, एक्स वाई जेड कहते हैं कि पार्टनर्स का रेशियो 6:3:2 का, तो एक्स वाई एंड जेड ये पार्टनर्स हैं 3:6, 2:6 एंड 1:6 का, ये हमारा पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है। कहता है कि एक्स का रिटायरमेंट हुआ, एक्स रिटायर मतलब एक्स को आप हटा दो, एक्स हटा दो। फिर कहता मेरे बच्चे कि इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। ये क्या बोलना चाहता है? आप मुझे बताओ, एक्स और वाई के बीच में रेशियो क्या हुआ करता था? ये देखो आप, एक्स वाई का 3:2। कहता है कि एक्स के जाने के बाद वाई और जेड के बीच में रेशियो आपका यही रहेगा, मतलब जो रिलेशन पहले एक्स वाई के रेशियो का था वही रिलेशन वाई जेड का होगा। इसका मतलब है कि वाई का शेयर मेरे बच्चे 3:5 हो जाएगा और जेड का जो शेयर है वो 2:5 आपका हो जाएगा, समझ रहे हो? 3:2 आपका, तो 3:5, 2:5 आपका न्यू रेशियो हो गया। ये ओल्ड है, ये न्यू है, अब हमें गेनिंग निकाल लेना है, समझ रहे हो? लैंग्वेज आपका है, तो ये तो सेक्रीफाइस किया, इसने तो कुछ गेन किया ही नहीं। हाँ जी, हम जब गेन निकालते हैं तो हमारा जो नया है 3:5 माइनस आपका 2:6 और आपका यहाँ पे 2:5 माइनस 1:6 आपका, तो जरा बताओ कितना आ जाएगा, 18 माइनस आपका 5:10 यानी कि 8:30 आ गया, और यहाँ पे 12 और माइनस 5 यानी कि 7:30। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो आपका गेनिंग न्यू रेशियो आ गया, नया रेशियो 3:2 हो गया, और जो गेनिंग रेशियो वो 8:7 आपका हो गया। बस ऐसे ही करा दिया वो क्वेश्चन जो पिछली क्लास में हमने थोड़ा रखा था आपके लिए प्रैक्टिस कराने के लिए। मेरे बच्चे आज तो बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं इस क्वेश्चन को कराने का, बिल्कुल भी आज इस टॉपिक को छूने का मन ही नहीं है, क्योंकि ऐसे टॉपिक हमने वो चेंज इन रेशियो में भी किया, हमने एडमिशन में भी किया, हमने रिटायरमेंट में भी इसको हमने डिस्कस कर लिया जितना हमें करना था, और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे जो हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे बिल्कुल नया पेज लेंगे, बिल्कुल नया पेज। वो पेज जो अभी पिछला वाला आपने यूज किया था उसमें कितना भी जगह बच जाए आप उसको मत छूना, हम तो नए पेज में आएंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे गुडविल का, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। मैंने पिछली क्लास में बताया था रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही केस में एक पार्टनर आपका बिजनेस से बाहर जाता है, तो दोनों ही केस में ट्रीटमेंट सेम आपका होगा, है ना? तो वही बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, और एक काम कीजिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मेरे साथ लिखो यहाँ पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आपका, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। फिर मैं बुक के अंदर मैं आऊँगा और जरा देखते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन क्या निकल के आता है। सुनो मेरी बात, मैं डायग्राम से बताऊँगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। यहाँ मेरे बच्चे कहता है कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे। सर हम भी डायग्राम बनाए? हाँ जी, आपको भी बनाना है, आपको भी। मेरे बच्चे इनका रेशियो जो था ना वो 3:2:1 का था, इट वाज द प्रॉफिट रेशियो आपका 3:1 पहले से ए बी सी के बीच में। कहता है कि आज मान लो 1 अप्रैल 2019 को सी रिटायर्स, लीजिए सी का कहता है रिटायरमेंट हो गया,
मुझे बताओ सी का अगर रिटायरमेंट हो गया तो अब कौन बच गया, ए एन बी, ए एन बी। मेरे बच्चे आगे रेशियो में चेंज ना बताऊं तो सी को हटाओ तो रेशियो क्या बन गया, 3:2 आपका। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आज मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। आज जो मेरा अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे उस पर मैं जाना चाहता हूँ। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना और बताना जो बात कह रहा हूँ वो लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जरा सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। तीन पार्टनर्स थे, रेशियो 3:1 का था, यानी कि आज तक जो हम लोगों ने मेहनत किया ये पीरियड में, हमने जो मेहनत किया उस मेहनत से जो भी प्रॉफिट हमारा निकल के आता था उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते थे, 3:1 में डिवाइड करते थे, क्योंकि हम लोगों ने इस रेशियो में मेहनत किया, ऐसे डिवीजन होता था। अब मेरे बच्चे सी चला गया तो इसके बाद मेहनत कौन करेगा, ए और बी। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो कौन डिवाइड करेगा, ए एंड बी, किस रेशियो में, 3:2। कोई झगड़ा नहीं है, पहले मेहनत हम लोगों ने किया हमारा था, आगे मेहनत आप करोगे आपका है, यहाँ तक कोई झगड़ा नहीं है। मेरे बच्चे झगड़ा तब उठेगा जब हमने जो पास्ट में जो मेहनत किया है, इधर जो हमने मेहनत किया था 3:1 में, अगर उस मेहनत से जो कस्टमर्स हमारे क्रिएट हुए थे और वो कस्टमर जब आगे हमारे पास आएंगे और हमें जब प्रॉफिट होगा, तो मेरे बच्चे उस प्रॉफिट को जिस पे हमने तीनों ने मेहनत किया था और उस प्रॉफिट को, क्योंकि अब दो ही रह गए, आप विड्रॉ करोगे तो यहाँ पर डिस्प्यूट उठेगा। वो सी मेरे बच्चे जो बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसको ये बहुत बातें खलेंगी, वो खलेंगी बात है कि यार जो कस्टमर हमने पास्ट में क्रिएट किया था, जो मेहनत किया था, वो भी तो कस्टमर आगे आके प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन उस समय मैं नहीं रहूँगा, सिर्फ ए भी रहेगा और ए भी आपस में डिवाइड करेंगे। ये बात सी को खलेगा। और मेरे बच्चे अगर इसका उपाय आपने नहीं निकाला ना, तो कल को सी के पास ऐसा भी नौबत आ सकता है कि वो आए और ए भी का मतलब वो मर्डर करके चला जाए। और मैं तो कहूं कि अगर मैं रहूं ना आपके साथ और अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो आपको मारूंगा ही मारूंगा, क्योंकि यार मेरा मेहनत आगे आप बैठ के खाओगे और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो गुस्सा तो मुझे भी आएगा ही आएगा, मैं भी इंसान ही तो हूं। और जरा बताओ कैसे मैं अपनी मेहनत किसी के लिए छोड़ दूं इस तरीके से, मैंने भी मेहनत किया था, वो प्रॉफिट जो अब आगे आएगा मेरी मेहनत का और उसमें हमें कुछ ना मिले, ये तो गलत होगा मेरे बच्चे। ये डिस्प्यूट जो आगे हो सकता है, और शायद कहीं अगर मान लो ए बी का मर्डर हो गया तब तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गया, फिर क्या फायदा यहां पे जीने का और इसको रहने का। तो आपका काम क्या होगा, इस झगड़े को खत्म करना। आप यहां पे वो झगड़ा नहीं होने दोगे, उस नौबत में नहीं आने दोगे कि कोई भी पार्टनर किसी के साथ आगे जाके झगड़ा करे। हाँ, जब फ्यूचर में हम मिले तो प्रेम भाव से मिले, और इस चीज को मेंटेन करने के लिए मेरे बच्चे आपका फर्ज बनता है कि ए बी सी का जो फर्म था ना, इसकी गुडविल को आप यहां पर वैल्यू करो, यानी कि आप पता करो गुडविल ऑफ फर्म यहाँ पे कितना है। हमने कहा था गुडविल ऑफ फर्म का मतलब होता है कि पास्ट में जो हमने मेहनत किया था उसका फ्यूचर में टोटल बेनिफिट कितना आएगा। मान लो वो अमाउंट आपका 3 लाख का होता है, 3 लाख का, मेरे बच्चे आज जब सी का रिटायरमेंट हुआ हमने फर्म की गुडविल को वैल्यू किया और फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी निकाली गई, 3 लाख, मतलब यही वो 3 लाख रुपए है जिसपे हम तीनों ने मेहनत किया था, लेकिन आगे आने वाले समय में ए और बी ही उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरे बच्चे ये 3 लाख है जहाँ पर डिस्प्यूट हो सकता है, हमें इस डिस्प्यूट को ख़त्म करना है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर एग्जाम में क्या करना, स्कूल में क्या करना, वो आपको बताऊंगा। तो आइए जरा पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था मेरा कॉन्सेप्ट टेबल एंट्री को लेके चलता है मेरे बच्चे। टेबल एंट्री, टेबल एंट्री क्या था जी, तीन पार्टनर्स हैं तो हमने ए बी सी का नाम लिखा। जरा बताओ इस 3 लाख को किसने कमाया है, ये जो आज गुडविल बनी है 3 लाख का वो किसने कमाया, सर ए बी सी ने, किस रेशियो में, 3:1। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूँगा, ओल्ड रेशियो में मैं इसे क्रेड कर दूंगा। तो बताओ 3 लाख में कितना कितना हो जाएगा, 150 आपका है, 1 लाख आपका है और 50,000, मतलब इतनी इतनी हमारी हिस्सेदारी बनती है। लेकिन मेरे बच्चे सी के रिटायरमेंट के हो जाने के बाद फ्यूचर में न्यू पार्टनर्स जो रह जाएंगे वही इसको न्यू रेशियो में विड्रॉ, यानी डेबिट का मतलब क्या है, विड्रॉ, घर लेके जाना।
तो जरा बताओ इस 3 लैक्स में हमारा कितना कितना होगा जी, ए का हो जाएगा 3 लैक्स में आपका 1,80,000 और बी का कितना हो जाएगा 120। सी तो बेचारा फ्यूचर में रहेगा ही नहीं, तो फिर उसको कहाँ मिलेगा, वो आपने क्या क्या यहाँ से हटा दिया। तो आओ ना मैं इस झगड़े को ख़त्म करता हूँ, ध्यान से मेरी बातें सुनना, बातें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। ये देखो इस 3 लैक्स में 3 लाख रुपये में एक ही मेहनत थी कितने की, 150 की। यानी कि अगर मान लो हम देखें इस 3 लैक्स में आपका एफर्ट जो है उसकी वैल्यू कितना, 150, आपने जो मेहनत किया था उसमें 1,50,000 रुपये आपको मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे बच्चे सी के जाने के चलते अब आपको 180 मिलेगा। यानी कि ए को फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा, ए फ्यूचर में गेन करेगा। तो जितना गेन आप करोगे उतना हम आज आपसे ले लेंगे। कितना ज़्यादा गेन कर रहे हो जी, 30,000 हम आपके अकाउंट से माइनस कर लेंगे। समझ लो मेरी बात, और ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे, समझो मेरी बात, मैं आपसे कर रहा हूँ। अरे मैं, मेरा एफर्ट जो है, मेरी मेहनत जो है वो सिर्फ 1,50,000 की है, 150 की, लेकिन किसी एक पार्टनर के जाने के चलते, क्योंकि उसका भी शेयर अब हमारे हाथ में रह जाएगा, तो हमें अब टोटल कितना मिलेगा, 180। तो मेरी मेहनत सिर्फ 1,50 की है, लेकिन फ्यूचर में 180 मिलेगा, मुझे 30,000 ज़्यादा मिलेगा बिना मेहनत किए बगैर। वो 30 आज मुझे देना पड़ेगा, जो मुझे फ्यूचर में गेन होगा मेरे बच्चे। ये ए क्या करेगा जी, फ्यूचर में गेन करेगा, अभी मैं दिखाऊंगा, अभी गेन करेगा तो आज उसके अकाउंट से निकाल लूंगा। बी का सुनो, बी की भी मेहनत सिर्फ 1 लाख की है, मतलब 3 लैक्स में आपका सिर्फ 1 लाख है, लेकिन फ्यूचर में सी के जाने से आपको 120 मिलेगा, आपको भी 20,000 ज़्यादा मिलेगा, तो हम आज वो 20,000 आपके अकाउंट से निकाल लेंगे। समझ लो, अगर ऐसा होता है तो आपको फ्यूचर में कितना मिलेगा जी, 180, ठीक है, 180 फ्यूचर में लेना, 30 आज दे दो, तो 180 माइनस 30 अल्टीमेटली कितना मिला आपको, 150। आपको फ्यूचर में 120 मिलेगा, 20 आज दे दो, तो अल्टीमेटली कितना रह गया, 1 लाख, जितना आपका एक्चुअल मेहनत है। और सी मेरा बेचारा जो जिसकी मेहनत 50,000 की थी, मेरे बच्चे 50,000 रुपये उसका इसमें हिस्सा बनता है, लेकिन इसके जाने के बाद अब इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये 50,000 जो सेक्रीफाइस कर रहा है, छोड़ रहा है, आज हमें उतना उसको 50,000 देना पड़ेगा, आज देना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे इसकी एंट्री क्या बन गई, जरा चेक करो, आप यहाँ पे चेक करो, इनके कैपिटल को माइनस करना है, कैपिटल कम करना, यानी कि डेबिट करना, तो एंट्री हो गया एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि दोनों से माइनस हो रहा है, और ये पैसा हम किसको दे रहे हैं, सी को, तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, 30,000 आपके अकाउंट से निकाल लूँगा, 20 आपसे निकाल लूँगा, और ये पूरा का पूरा 50 आज मैं सी को दे दूँगा कि भैया अपना जो आप हिसाब करोगे आज उसमें 50 और ऐड कर लो और आप लेकर जाओ, ताकि आगे कभी आपको मर्डर करने का नौबत ना आए। आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे, आपके भी घर में बाल बच्चे हैं, मेरे भी घर में बाल बच्चे हैं, तो क्यों किसी को अनाथ करना। आप लो पैसा, अपना खुशी मनाओ और हमारा हमारे पास रहने दो। इसको कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप समझ रहे हो मेरी बात, अगर आप एक बार ध्यान से देखो मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ कर रखे हो, तो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में भी यही बताया था, एडमिशन में भी मैंने यही बताया, रिटायरमेंट में भी मैंने वही बताया। और मेरे बच्चे मैंने आपको दिखा दिया, मैंने आपको समझाया भी, ये ए गेन कर रहा है, यहाँ पे बी भी गेन कर रहा है, बी भी गेन कर रहा है, और सी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस। अगर मैं आपके एग्जाम के लिए, मतलब फॉर स्कूल, स्कूल कह दो या एग्ज़ाम के लिए, मतलब आपके जो मास्टर जी हैं, जब उसको ये पढ़ाएंगे तो पता वो क्या बताएंगे, वो कहते हैं काम करो जी आप ना यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालो। वो बोलेंगे भैया कि जो गेनिंग पार्टनर है, आपके सर बताएंगे गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस। मैंने भी तो बताया ये बात आपको एडमिशन में, आपका चेंज इन प्रोफिट रेशियो में, सब जगह तो बताया कि गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, और हम वही कर रहे हैं। जरा बताओ गेन कौन कर रहा है, ए भी। मैंने कहा था कि पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया रहे, फिर आपका यहाँ पे सी चला गया, तो न्यू रेशियो आपका ये हो जाएगा। और हमने आपको बोला तो था कि गेनिंग रेशियो भी जब निकालेंगे तो 3:2 ही आ जाएगा। तो मेरे बच्चे गेन कौन कर रहा है, ए भी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जितने पार्टनर्स गेन करेंगे आप उसको डेबिट कीजिए। बी भी गेन कर रहा है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड,
एंड टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया आपका, यही तो निकल के आएगा गेटिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जरा बताओ सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सर सी जो है ना 3 लैक्स का 1/6 शेयर था, यानी कि 3 लैक्स का वो 1/6 शेयर छोड़ के जा रहा है, यानी कि 50,000 रुपये। तो ठीक है, उस 3 लैक्स में जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो आज हम उतना आपको दे देंगे। और ये 50,000 जो सी को दिया जाएगा कौन देगा, तो ये ए एंड बी देंगे। किस रेशियो में देंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो जरा बताओ 50,000 को अगर हम 3:2 में डिवाइड करें तो 3/5 यानी कि 30,000, और 50,000 का इनका सेक्रीफाइस कितना है 2/5, तो कितना हो गया 20,000। यानी कि आपका ए बी टू सी निकल गया, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। देखो ना यही चीज तो यहां पे भी निकला मेरे बच्चे, यही चीज यहां भी निकला। आप ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो, और चाहे एक तरीका और बता देता हूं। एंट्री तो हर एक केस में गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड, यानी कि ए बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी यानी कि सेक्रीफाइसिंग, एंट्री तो हमेशा यही होगा, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट, चाहे कुछ भी हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हमने एक और तरीका आपको बताना है, जरा बताओ गुडविल कितनी है 3 लैक्स, तो 3 लैक्स का आपने क्या किया जी 1/6 यानी कि 50,000। बच्चे यहां पे इस 50 को हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड किया था, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो के जगह पे, चलो एक काम करते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे डाला नहीं है, तो अभी इसको छोड़ दो, आप यहां पे इसको आगे समझा दूंगा। आपको एग्जाम में क्या करना है, ये काम करना है। इस काम को करने के लिए पहले आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिनिंग रेशियो निकाल लेना, और उस रेशियो को निकाल के ऐसे कर लेना। ये काम आप मतलब नहीं करना क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जब बड़े बच्चे हो जाएंगे तो यही तरीका आपको फॉलो कराया जाएगा, ठीक है ना सर। और कराओ सर और, तो मैं अब क्यों लिखाऊँ यहाँ पर, क्यों लिखाऊँ, मैं एक काम करता हूँ, जब कराना ही है तो आपके बुक से ही क्वेश्चन को उठाता हूँ, और पता इसमें भी मैं ज़्यादा समय गुजारूंगा नहीं, क्योंकि ये सारी बातें मैंने इतने आपको कराया है, इतना कराया है कि आपको क्या बताऊं। हमने एडमिशन में 16-17 क्लासेज जो हमने की हैं, आई थिंक उसमें 3-4 क्लासेज हमने गुडविल पे ख़त्म किया था, आप याद कीजिए। वही काम हमने चेंज इन रेशियो में भी किया था। तो आप आओ जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, ये देखो जरा 9th क्वेश्चन के बाद, पहले तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिनिंग रेशियो में फ़र्क क्या है वो मैं बता दूँ। आप जानते हैं मैंने समझा दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है जी, जब नया पार्टनर्स यहाँ पे जब सॉरी सेक्रीफाइसिंग का मतलब कि जब कोई एडमिशन का केस होगा तो जनरली यहाँ पे सेक्रीफाइस होता है, नया पार्टनर आएगा तो सेक्रीफाइस होगा, और रिटायरमेंट डेथ में क्या होगा, जनरली गेन का होता है। फिर सेक्रीफाइस का आपका फॉर्मूला क्या था, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, गेन का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, ये सब बताया मैंने आपको। हम सेक्रीफाइस कब निकालते हैं, एडमिशन के टाइम पे जनरली, गेन कब निकालते हैं, डेथ या रिटायरमेंट के टाइम पे आपका, और कई सब सारी बातें मैं बता चुका हूँ, आप पढ़ेंगे एक बार समझ में आ जाएगा। मैं क्यों टाइम में बात करूँ, जरा आ जाओ मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10th के पास, सॉल्यूशन करा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th का, और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को और बारीकी से समझेंगे। पढ़ो ना मेरे साथ क्वेश्चन क्या बता रहा है, सुरेंद्र रमेश नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1:1, चार पार्टनर्स हैं और चारों का रेशियो 2:1:1 बता रहा है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, नरेश का जब रिटायरमेंट हुआ, गुडविल कहता है कि वैल्यू किया गया 72,000 पे। मेरे बच्चे ध्यान देना, नरेश का रिटायरमेंट हुआ है, गुडविल कहता है 72, गुडविल आपका इतने में वैल्यू किया गया। सुरेंद्र रमेश मोहन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री। मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे, तो आप देखो वही बात है, एक तो पार्टनर यहाँ पे सुरेंद्र है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना। दूसरा पार्टनर कहता है कि रमेश है, तीसरा कहता है कि नरेश है, एंड चौथा पार्टनर यहाँ पे कहता है मोहन। ये चार पार्टनर्स हैं, इनका जो रेशियो है पहले से वो कहता है कि 2:1:1 यानी कि 2:1:2:1 आपका। मेरे बच्चे आज कहता है कि वो क्या नाम है, नरेश का रिटायरमेंट हो गया, ओहो मतलब तीसरा पार्टनर नरेश जो है ये कहता है कि आपका रिटायर हो गया। नरेश के रिटायरमेंट के बाद अब पार्टनर्स कौन बच गया, तो सुरेंद्र बच गया, है ना बच्चों।
वो आपका क्या नाम है रमेश बच गया, रमेश, और वो आपका मोहन बच गया। कहता कि फ्यूचर में अब इनका रेशियो क्या होगा, 1:1:1 होगा, इक्वली हो जाएगा। कह रहा पढ़ो ना यहाँ पे, कहता कि रेशियो जो आपका होगा इक्वली होगा। वो कहता है कि आज जो गुडविल वैल्यू किया गया है, गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की जो गुडविल वैल्यू की गई है, वो कहता है आपका 72,000। मेरे बच्चे कहता है आज वैल्यू क्या गया, बोलता है कि मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, विदाउट ओपनिंग। मेरे बच्चे गुडविल अकाउंट हम ओपन कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल होता है, जिसको हमने खुद क्रिएट किया, जो हमारे फॉर्म की गुडविल है, जैसे देखो ये आपका निकल गया, AS 26 कहता है कि इट कैन नॉट बी रेज्ड, इट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम इसको नहीं दिखा सकते। तो फिर आप बोलो या ना बोलो, हम तो दिखाएंगे नहीं जी, नहीं दिखाना हमने, हमें झगड़े खत्म करना बस। जरा सोचो, ये 72,000 पे हम चारों ने इस रेशियो में मेहनत किया था। अब जब नरेश चला गया, नरेश चला गया तो आगे नरेश को तो मिलेगा नहीं, उसको उसको तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, वो आगे आकर इनका मर्डर कर सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या होगा कि हम यहाँ पे झगड़े खत्म करेंगे कैसे, जरा देखो। अब स्कूल में क्या करना, मतलब आपको क्लास में क्या करना है, जल्दी से पहले यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो आप यहाँ पता कर लो कि आखिर हमारा गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो बेसिकली। तो हमने यहाँ पे नाम लिखा पार्टनर्स का, यहाँ पे ओल्ड रेशियो का, यहाँ पे न्यू रेशियो का, और यहाँ पे आपका गेनिंग रेशियो का। बताओ पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, पहला आपका कहता है सुरेंद्र, दूसरा कहता है मेरे बच्चे रमेश, तीसरा पार्टनर कहता है नरेश, एंड चौथा पार्टनर कहता है आपका यहाँ पे मोहन है। चार पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो कहता है 2:1:1, यानी कि 2:6, 1:6, 2:6, 1:6, ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया। न्यू में कहता है कि चला गया हमारे बीच में से कौन जी, यहाँ पे नरेश, मतलब मेरे बच्चे ये चला गया, और रेशियो अब हमने डिसाइड किया है 1/3, 1/3, 1/3। बताओ गेनिंग क्या होगा, गेन हमेशा न्यू माइनस ओल्ड होगा, क्योंकि नया ज़्यादा होगा तभी गेन किया, 1/3 - 2/6, ये कितना आ गया 6, ओहो ये तो 0/6 आ गया। बच्चे इसने कोई भी गेन नहीं किया, इसका मतलब जीरो मतलब कोई गेन नहीं किया। रमेश का चेक करते हैं, 1/3 - 1/6, 6 आ गया, दिस इज 1/6, ये गेन कर रहा है। मोहन का अगर देखा जाए तो अगेन 1/3 - 1/6, ये कितना गेन किया आपका 1/6, है ना। और नरेश तो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे ये देखो, आप जब हम निकालते हैं गेनिंग, तो यानी कि न्यू माइनस ओल्ड 0 - 2/6, तो ये आंसर क्या आ गया 2/6। अगर हम गेन निकाल रहे हैं और नेगेटिव आ गया, मतलब कि सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका भी नेगेटिव आएगा सेक्रीफाइस करेगा। जरा बताओ एंट्री क्या बनेगा, हमें कहता है कि आप एडजस्टमेंट एंट्री करें, एडजस्टमेंट एंट्री, तो हम जानते तो हैं मेरे बच्चे एडजस्टमेंट में क्या जी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, कौन कौन गेन कर रहा है, रमेश एंड मोहन। तो आप एक काम करो, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कीजिए, और कौन गेन कर रहा है जी, मोहन आपका, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट कीजिए, एंड टू जरा बताओ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहां पे, सर नरेश सब कुछ अपना छोड़ के जा रहा है मेरे बच्चे, तो नरेश कैपिटल अकाउंट। आइए एंट्री बन गया गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बताया तो है मैंने आपको, आपका हर एक क्वेश्चन में हर एक चैप्टर में ये तो चल रहा है, जो भी गेन करेगा फ्यूचर में उसको आज देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जो फ्यूचर में गेन करेगा मेरे बच्चे, ये गेन करेगा, ये गेन करेगा, इनको देना पड़ेगा। और जो अपना आज छोड़ के जा रहा है, जो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में वो दोबारा हमारे पास ना आए मांगने के लिए, तो उसको हमें उतना देना पड़ेगा। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 2/6। जरा बताओ फर्म की गुडविल 72,000 है, तो 72,000 का 2/6 कितना निकल के आ गया, 24,000, 24,000 रुपये। ये 24,000 कौन देगा, रमेश एंड मोहन, किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो में, समझो मेरी बात, गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो क्या है जी, 1:1,
देख रहे हो आप, 1:1 आपका, तो 24 का 1 यानी कि 12,000 आप देंगे, 12,000 आप देंगे, ये हो गया आपका, बात खत्म हो गई। जो यहां पे आपका सेक्रीफाइस आपका करेगा उसको मिलेगा, और ये 24 इसको कौन देगा जी, आप दोनों, किस रेशियो में, गेरिंग रेशियो में। गेरिंग रेशियो में क्या निकाला, 1:1 यानी कि आधा आपने दिया आधा आपने दिया, यानी कि कैसे निकल के आया जी, 24,000 का आधा 1/2 एंड 24,000 का आधा 1/2, मतलब ये 2 लिखा हमने 1/2, इसका मतलब है, इसका मतलब है ये क्या है आपका 1/2 है, क्या है जी 1/2 क्या है, ये गेनिंग रेशियो है, ये गेनिंग रेशियो है। मतलब बच्चे इसको हम एक और भी तरीके से पता कर सकते हैं, मैं इसका अल्टरनेटिव वे दे रहा हूँ, अल्टरनेटिव वे। सर समझ में आ गया ना बच्चे, ना समझना तो पड़ेगा, तरह तरह से समझना होगा, क्योंकि जब तक बातें दिमाग में नहीं बैठती है तब तक आप रटते हैं चीज़ों को, और फिर काम खराब होता है, मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं दिखा रहा हूँ ना, आपको अच्छा लगेगा। रमेश कैपिटल अकाउंट आपका डेबिटेड, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। जब बातें हमें 2-3 चीज़ों से समझ में आना शुरू हो जाती, तो यानी कि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अदरवाइज क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का जब रट्टाफिकेशन ही करना है। तो टू नरेश अकाउंट, जरा बताओ नरेश का कितना जी, तो 72,000 जो पूरे फर्म की गुडविल है उसका, जितना वो गेन सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि 24,000। मेरे बच्चे यहाँ पे हमने गेनिंग रेशियो किया था, मैं चाहूँ तो रेशियो के जगह पे गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके भी इस अमाउंट को पता कर सकता हूँ। ये देखो कैसे, मैंने आपको एडमिशन में बताया था कि फर्म की गुडविल 72,000 है। आप मुझे बताओ इस 72 में फ्यूचर में आप कितना गेन करेंगे, 1/6। इस बार रेशियो नहीं, मैं शेयर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो भी कितना आ गया 12,000। 72,000 में आप कितना गेन करोगे जी, 1/6। तो आपने क्या किया, 1/6 से, यानी कितना आ गया 12,000। मतलब दोनों में, दोनों क्या, वो टेबल एंट्री में भी देखा जाए तो सेम आंसर आएगा। हमने यहाँ पे पहले इसमें क्या किया, इसका शेयर निकाल लिया 24 और गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। मेरे बच्चे रेशियो में यहाँ पे क्या किया, तीनों को हमने 72,000 में जितना जितना शेयर आप गेन या सेक्रीफाइस करोगे, हमने उसे यानी कि यहाँ पर शेयर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर रेशियो से, दोनों में सेम आएगा। सर एग्जाम में किसे करें, आपकी मर्जी। फिर तो सर हम दोनों से करके आएंगे, नहीं बदमाश, अरे दोनों से करेगा तो मार्क्स दो बार थोड़े ही मिलेगा, आपको ही मर्जी है, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ठीक है, मार्क्स आपको किसी एक में ही मिलेगा, तो कोई एक ही तरीका करना। अच्छा सर, तो फिर सर ये ठीक लगता है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, हम थोड़े आपको रोक रहे हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो, आपकी मर्जी, जैसे करना कर लेना। लो हमने 10th क्वेश्चन भी आपका ख़त्म किया, लो हमने 10th क्वेश्चन भी ख़त्म किया। अब मैं आपको आगे लेकर आता हूँ 11th क्वेश्चन के अंदर में, और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन सी बातें होती हैं। मेरे बच्चे आओ जरा देखते हैं अगला यहाँ पे क्या निकल के आता है 11th क्वेश्चन में। बस अब कॉन्सेप्ट तो समझा चुका हूँ, आपके साथ खेल खेलूंगा बस, और कुछ खास रहा नहीं। पढ़ो जरा 11th क्वेश्चन क्या बता रहा है। एक सौ जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, जेड रिटायर्स एंड द न्यू रेशियो कहता है कि आपका एक वाई का 1:2 हो जाएगा। जेड के रिटायरमेंट पे गुडविल कहता है कि फॉर्म का वैल्यू क्या गया 30,000 पे, पास नेसेसरी यहाँ पे एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपका विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ऑब्वियस बात है, बार बार क्यों बोलते हो, गुडविल को हम तो दिखा ही नहीं सकते। तो सोल्यूशन आपका यहाँ पे 11th में, इट्स वेरी सिंपल, जल्दी से आप क्या करो, कंप्यूटेशन ऑफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन ऑफ आप लिखो गेनिंग रेशियो। हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो पता कर लें, क्योंकि रिटायरमेंट डेट में निकालना होता है गेनिंग रेशियो। मेरे बच्चे पार्टनर्स यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आपका गेनिंग रेशियो। आओ ना देखते हैं, जरा बताओ क्वेश्चन में पार्टनर्स के क्या नाम है। सर यहाँ पे अगर हम देखें आपका क्वेश्चन नंबर जो कौन सा है जी, 11th ना, हाँ जी सर 11th में पार्टनर्स का नाम जो है वो एक्स वाई जेड है। लिखो यहाँ पे एक्स वाई जेड। जरा बताओ ओल्ड रेशियो क्या बता रहा है, 3:1, यानी कि यहाँ पे 3/6 हो गया, 2/6 हो गया, 1/6 हो गया। न्यू रेशियो क्या है, कहता है कि जेड का रिटायरमेंट हो गया, मेरे बच्चे जेड को हटा दो, और कहता है कि अब जो इनका रेशियो होगा एक्स वाई का 1:2 होगा,
यानी कि 1:2 का मतलब 1/3 एंड 2/3, ये पार्टनर्स हैं, ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो आओ ना गेन पता करें, जो कि हमेशा न्यू माइनस ओल्ड होता है ना। तो 1/3 माइनस 3/6, ये 6 आ गया, 3 2 जा 6, तो ओहो ये तो निगेटिव आ गया, -1। लो हम लोग गेन निकालने चले थे और निगेटिव आ गया, मेरे बच्चे इसका मतलब कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन नहीं कर रहा है, समझो मेरी बात ना। बोलो सर। हाँ सर हाँ। वाई का जरा चेक करते हैं, इसका नया 2/3 है एंड यहाँ पे 2/6, तो इसका क्या आ गया, 3 2 जा 2 2 जा 4 4 माइनस 2 2/6, ये तो आपका पॉजिटिव आ गया, मतलब ये गेन कर रहा है, चलो। और ये तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे इसका पहले कुछ नहीं था, सॉरी अब कुछ नहीं है, पहले से इसका 1/6 था, तो -1/6, ये भी देखो सेक्रीफाइस आ गया, और हमने कहीं गलत काम तो नहीं किया। तो इन दोनों का जो सेक्रीफाइस होगा वो हमेशा इसके गेन के बराबर होगा, 1/6 1/6 2/6, देखो बराबर है, मतलब ने बिल्कुल सही काम किया। खैर मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि पहले से एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स थे, यहाँ पे कौन चला गया, जेड का रिटायरमेंट हो गया, और कौन बच गया, एक्स एंड वाई आपका, है ना बच्चे। तो गुडविल जरा पढ़ो और बताओ यहाँ पे फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू की गई, आज यहाँ पे गुडविल फर्म की कितनी वैल्यू की गई है, सर 30,000 लीजिए मेरे बच्चे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले हम एक्स वाई जेड थे, रेशियो हमारा 3:1 का था, अब एक्स वाई रह जाएंगे, रेशियो हमारा 1:3 का हो गया, तो हमें इस झगड़े को ख़त्म करना है, जो भी गेन करेगा उसको डेबिट करो, सिर्फ वाई गेन कर रहा है तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आप जानते हैं कि जब कोई पार्टनर गेन करता है मतलब फ्यूचर में उसको फ़ायदा होगा, तो जितना फ्यूचर में फ़ायदा होगा बैठे बैठे आज हम उससे उतना ले लेंगे, और जो भी सेक्रीफाइस करेगा फ्यूचर में, यहाँ पे मेरे बच्चे एक्स भी कर रहा है तो उसको भी हमें देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका जेड भी कर रहा है तो इसको भी देना पड़ेगा, एक्स इज कैपिटल अकाउंट जेड कैपिटल अकाउंट, बात समझ आ गई सर। हाँ अब आपकी मर्जी, या तो रेशियो से कर लो या फिर आप शेयर से कर लो। अगर मैं आपका पहले यहाँ पे पहले मैं इसका जिधर एक तरफा होगा पहले उसको पता कर लेता हूँ, या छोड़ो हम शेयर पे, आपकी मर्जी, दोनों तरीके से दिखा दूंगा। जरा बताओ वाई का गेन कितना होगा, तो 30,000 जो है मेरे बच्चे, 30,000 फर्म की गुडविल, इसमें देखो वाई कितना गेन करेगा, वाई कितना गेन करेगा, 2/6, तो 2/6 यानी कितना आपका हो गया, 10,000। इसको फ्यूचर में 10,000 गेन होगा, तो आज हमने ले लिया। अब एक्स जेड को देना है, तो आप देखो या तो क्या करना, इस 10,000 को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइस क्या हो गया, 1:1, यानी कि आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5,000 5,000 रुपये, 5,000 5,000, या फिर आप क्या करना, अगर शेयर से करना चाहते हो तो बताओ इस 30,000 में एक सेक्रीफाइस कितना करेगा, 1/6, तब भी कितना आएगा, 5,000, और 30,000 में ये कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/6, कितना, 5,000। देख लो फायदा इसका क्या निकल के आता है, बातें ओपन हो गई। अगर हम यहाँ पे शेयर से किए तो हमने ऐसे कर लिया, अगर रेशियो से करेंगे तो देखो इनका रेशियो क्या बन गया, 1:1, तो जिसका एक तरफा होगा उसको पता कर लेना, उसको पता करके इनके सेक्रीफाइसिंग में डिवाइड कर देना, 1:1 में क्या, तभी आधा आधा ही आएगा। उस केस में आपका 10,000 का हाफ यानी कि 5, 10,000 का हाफ यानी कि 5, आपका मर्जी है, आपकी मर्जी है, कौन रोकेगा आपको, कौन रोकेगा, ठीक है। आगे कौन सा कराऊँ, 12:13 अभी मुझे कराना नहीं है, मैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ 14 क्वेश्चन के साथ, या 14 मुझे बकवास सा लग रहा है मेरे बच्चे, बकवास सा लग रहा है, 15 भी बकवास सा लग रहा है, ये 14 15 जो है ना ये सब आप खुद कर जाएंगे, पढ़ लूँ मैं 14 आपके लिए, 13 अभी 12:13 रुक जाओ मैं कराऊँगा, पहले 14 पे आइए। भास्कर रमेश सुमन वेर पार्टनर्स रेशियो 3:1 का, सुमन रिटायर्ड फ्रॉम द फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2019, ऑन विच डेट गुडविल कहता है कि फॉर्म का वैल्यू किया गया 240 पे। भास्कर रमेश डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर में 2:3 फ्रॉम दैट डेट, बोलता है बताओ क्या करोगे, वही हुआ मेरे बच्चे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, पता कर लेना, कर जाना, मैं ही नहीं कराने वाला, नहीं कराऊंगा।
15 भी नहीं कराऊंगा, ये 14 15 जस्ट लाइक आपका जो वो 10th 11th था वैसा ही क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस रूप में आप कर जाएंगे। मैं कुछ मस्त क्वेश्चन ढूंढ रहा था आपके लिए, मस्त क्वेश्चन। चलो मस्त में 16 एक बार देख लेता हूँ मैं, 16 आओ देख लेते हैं आपका, अगर अच्छा नहीं मिला तो मैं क्वेश्चन खुद बनाऊंगा आपके लिए मस्त क्वेश्चन ग्रुप में। आओ जरा 16 एक बार देख लेते हैं। ये लीजिए, हमने इसको मिटाया सर। वो क्यों नहीं करा रहे हो बीच वाला क्वेश्चन? अरे कहा ना, वो जो आपका 12-13 वो करा दूंगा मैं बाद में, 14-15 आपको होमवर्क है, 16 कराता हूँ। लिखे जरा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16th। दमन देव एंड सन, कैसे कैसे नाम है, होने दो ना। वेर पार्टनर्स रेशियो 3:1 का सोम रिटायर्ड, ओ वही तो सोचू, ये कैसे कैसे नाम आ जाते हैं यहाँ। बदमाश मेरे टाइपिस्ट जो है ना, उसने बदमाशी किया है। ये सोम है, SOM नहीं है बदमाश, M है, ठीक है। सोम रिटायर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, ऑन विच डेट गुडविल कहता है 240 है। दमन एंड देव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। फ्रॉम दैट डेट पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज विदाउट रेजिंग गुडविल। ये तो वही हो गया, मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर लूँ, विदाउट रेजिंग गुडविल आपका, ये तो हम जानते हैं गुडविल को बिना रेज किए हुए ही तो हम काम करते हैं बच्चे, पता नहीं बार बार क्यों बता रहा है, जबकि गुडविल को रेज करके हम मतलब एंट्री पास करना हमें AS 26 अलाव करता ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे उसको, पहले हम इस क्वेश्चन को करा लें। ये हो जाएगा क्या आपसे सर? हाँ सर, चलो छोड़ो फिर भी करा देता हूँ, आओ ना। ये देखो आपका 16 में दमन देव एंड सोम, दमन आप भी बनाओ मेरे साथ, देव एंड सोम, ये एग्जाम में नहीं बना ना, आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको रिविजन दिक्कत ना हो। 3:1 का रेशियो है, 3:1 कहता है कि आज कौन चला गया, सोम चला गया, तो सोम के जाने के बाद दमन बच जाएगा एंड दूसरा यहाँ पे देव बच जाएगा। नया रेशियो क्या बता रहा है इनका, इन दोनों का, जी इन दोनों का नया रेशियो क्या है दमन देव 2:3 आपका, ये लीजिए। तो जरा बताओ आज जो गुडविल हमने वैल्यू किया फर्म का, वो कितना वैल्यू किया आपका गुडविल फर्म, कितना बता रहा है सर? गुडविल कहता है फर्म का जो वैल्यू किया गया है 120, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं 16 का, ये कहता है मेरे बच्चे 2,40,000। तो आओ जरा झगड़ा खत्म करते हैं, पहले हम निकालें यहाँ पे जल्दी से कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, है ना, गेनिंग रेशियो। तो हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे पार्टनर्स के नाम, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो, और फिर आपका यहाँ पे गेनिंग रेशियो। पार्टनर्स हैं दमन देव और यहाँ पे सोम, 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। जो न्यू रेशियो आपका है यहाँ पे चला गया सोम, इसको हटा दूँ मैं तो मेरे बच्चे नया रेशियो हो गया 2/5 एंड 3/5। इसका मतलब कि जो गेनिंग रेशियो होगा न्यू माइनस ओल्ड 2/5 - 3/6, और इनका 3/5 - 2/6। सर फास्ट करो, क्या फास्ट है, इतने क्लास इतने जन्म गुजार दिए इस क्वेश्चन चैप्टर टॉपिक के अंदर में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सब में सेम कॉन्सेप्ट तो है बदमाश। 30, 5, 6 = 12, 12 - 15, लो 12 माइनस कितना जाएगा 5, 15, यानी कि -3, ये भी नेगेटिव आ गया, मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन निकालने चले थे सेक्रीफाइस आ गया। देव का चेक करते हैं आपका, 30, 5, 6 = 18 - 10, 8/30, ये ठीक आ गया भगवान की दया से। और इसका गेनिंग यानी कि 0 - 1/6, ये आ गया -1/6। अगर आप 30 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 5/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, -5/30, निगेटिव आ गया, ये भी बदमाश सेक्रीफाइस कर रहा, अभी तो किया था। और क्यों अब टाइम बर्बाद करूंगा मैं, गेनिंग टू जो गेन करेगा देव इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड,
जो गेन करेगा उससे हम ले लेंगे, ये फ्यूचर में जितना गेन करेगा उतना हम ले रहे हैं बच्चे, और जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगा हम उसको दे देंगे, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। दमन कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे दूसरा कौन है जी आपका, सोम कैपिटल अकाउंट। अब मैं एक तरफा अमाउंट पता कर लेता हूँ जिसका एक है, जैसे इसका पता कर लूँ देव कैपिटल अकाउंट। देव जरा देखो यहाँ पे कितना गेन कर रहा है, 8/30, तो 2,40,000 का, 2,40,000 का 8/30 कितना हो गया, 64,000। अब आपकी मर्जी है, या तो 64 को इनका 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 64,000 का 3/8, 5/8। या फिर क्या करो, अगर झगड़ा नहीं करना तो 2,40,000 में रेशियो के बजाय शेयर से मल्टीप्लाई कर लो, आपका कितना जी सेक्रीफाइस है 3/30। सेम आंसर आएगा दोनों में, आपको जो करना कर लो पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड 2,40,000 में आपका कितना है जी 5/30, तो आपका कितना आ गया, ये आ गया 40,000। या तो ऐसे कर लो, या फिर इस 64 को अगर 3:5 मतलब 3/8 और 5/8 में करोगे तो भी सेम। तो जैसे करना करो, मेरा काम हजारों तरीके से बताना है, मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, आपका जो काम है आप कीजिए, ठीक है ना। सर कुछ मस्त क्वेश्चन कराओ ना, तो फिर बुक से हटना पड़ेगा मेरे बच्चे। अगर मस्त क्वेश्चन करना है तो बुक से आपको निकालना होगा और मेरे क्वेश्चन पे आपको आना पड़ेगा, मेरे क्वेश्चन पे। लो ना एक मस्त क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं आपको, लिखो जरा मेरे साथ यहाँ पे, लिखो जरा आज का एग्जाम्पल नंबर 2 ब्रैकेट में मस्त क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन का मतलब होता है जहाँ पे मन को आपको शांति मिलेगी कि हाँ जी अब हम ये सब चीज़ सीख रहे हैं। ये लो, मैं ए बी सी और डी चार पार्टनर लेता हूँ, इनका रेशियो 4:3:2:1। लिखो मेरे साथ डायग्राम में ऐसे ही। आज कहता है यहाँ पे आपका बी रिटायर्स कर गया, और बच्चे इसके बाद कहता है कि आपके पास ए सी और डी बच गए, बी का रिटायरमेंट हो गया तो बच कर गया ए सी डी। रेशियो कहता है कि फ्यूचर में इनका जो होगा 1:1:2 कितना ले लो बताओ, चलो 2 ले लेता हूँ, ऐसे मन जो किया बस लिख दिया हमने यहाँ पे। और आज कहता है कि गुडविल जो वैल्यू किया गया, गुडविल ऑफ फर्म, ये कहता है आपका 2 लैक्स का अमाउंट, बोलता है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री। सर इसमें मजा आएगा, आपको नहीं आएगा क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, कहाँ से मजा लेकर आऊँ, ये पता नहीं शब्द आपने कहाँ से ढूंढ लिया मज़ा। चलो फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ इसमें मज़ा देने का, बट कुछ खास तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे आओ ना सॉल्यूशन में, मैं टेबल एंट्री से दिखा दूँ क्या, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो क्रेडिट, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो डेबिट, उसका इम्पैक्ट दिखा दूँ, नहीं सर हम कर लेंगे, अब स्कूल के लिए कराओ। ये लो फिर पार्टनर्स, यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो, और यहाँ पे आपका गेनिंग रेशियो। पार्टनर्स आपका ए है, बी है, सी है एंड डी है, चार पार्टनर्स। पर बच्चे ओल्ड रेशियो में 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 आपका, दिस आर ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या हो गया जी, कौन चला गया, बी, तो बी को तो पहले मैं हटा दूँ, और यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे 2/4, ये न्यू रेशियो हो गया। तो हमें क्योंकि गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री करना है मेरे बच्चे बिना गुडविल को रेज किए हुए, तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो जानना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जानना पड़ेगा। तो गेन यानी कि ओल्ड माइनस न्यू, सॉरी गेन का मतलब क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, याद करना आपको, नहीं सर। तो 1/4 माइनस 4/10, ये एलसीएम 20 आ गया, तो 20 में अगर हम देखें यहाँ पे 5, ओहो माइनस 3 आ गया, मतलब ये गेन निकालने चले थे और ये सेक्रीफाइस कर गया बदमाश, ठीक है इसका चेक कर, ये तो पूरा सेक्रीफाइस है, नया 0 है,
पहले 3/10 था, बेचारा सब कुछ छोड़ के चला गया, -3/10। और अगर आप 20 में कन्वर्ट करना चाहो तो 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ना करो तो भी ठीक है, बट कोई बात नहीं, कर लो -6/20 आपका, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, समझ रहे हो ना। ये तो हमेशा जो आपका रिटायरिंग पार्टनर वो सेक्रीफाइस करेगा, सब छोड़ के चला गया, सब छोड़ के चला गया, तभी तो उसको दिया जाता है। और इसका 1/4 -2/10, ये आपका 20 में कन्वर्ट करता हूँ इसको भी, 4 5 जा 5 -4 1/20, ये तो गेन कर रहा है, थैंक गॉड एक कम से कम गेन निकल के आया। और इसका आपका देखा जाए तो 2/4 न्यू -ओल्ड 1/10, ये भी 20 में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, 4 5 जा 5 2 जा 10 10 -2 यानी कि 8/20, ये भी यहाँ पे गेन कर रहा है। और ज़रा चेक कर लें सही किया हमने, तो 8 प्लस 9 9/20 का गेन और 9/20 का सेक्रीफाइस, ठीक है। फिर जितना हमारा गेन उतना बाकी का सेक्रीफाइस, जितना आप छोड़ोगे उतना हमें मिलेगा। और आप जानते हैं कि जब एंट्री करते हैं तो जो भी फ्यूचर में गेन करेगा सी ओ डी हम उससे ले लेंगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डीज कैपिटल, डी भी मेरे बच्चे फ्यूचर में गेन कर रहा है तो हम उससे क्या करेंगे ले लेंगे, और ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है यानी कि एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, हम इसमें इनको क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। आओ ना देखते हैं सी कितना गेन करेगा, ये देखो 1/20, तो 2 लैक्स का 1/20, 2 लैक्स जो टोटल आपका है इसका 1/20 यानी कितना आ गया 4000, नो गलत बता रहा हूँ 10000, ठीक है जी। डी कितना गेन करेगा 8/20 यानी कि 2 लैक्स का 8/20 कितना हो गया 80000। तो मेरे बच्चे इन दोनों का गेन कितना हो गया 90000। इस 90000 को क्या करो, या तो इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो 3:6 में यानी कि आपका क्या हो गया 1:2, ये जो टोटल गेन कितना हो गया 90000, 90000 को आप क्या करो 1:2 में डिवाइड कर दो, तो 90000 का 1:2 कितना हो जाएगा 30000 60000, हमने रेशियो में डिवाइड कर दिया। अदरवाइज अगर आपको यही अमाउंट जानना है तो टेंशन नहीं लेना, तो ऐसे कर लो गुडविल फॉर्म की कितनी है 2 लैक्स। एक आज जरा बताओ शेयर कितना सेक्रीफाइस का, सर 3/20 ये भी कितना आ गया 30000। और 2 लैक्स का आपका सेक्रीफाइस कितना है जी 6/20, तो आपका कितना आ गया 60000। मतलब आपकी मर्जी है, या तो आप क्या करो यहाँ पे शेयर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर रेशियो से, अगर रेशियो करोगे तो 90000 पे करना पड़ेगा और रेशियो 3:6 लेना पड़ेगा, 3/9 6/9। अगर आप शेयर से करेंगे तो पूरे फर्म की गुडविल लेनी पड़ेगी और टोटल शेयर से आपको करना होगा, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कौन रोकेगा आपको जरा बताओ। सर थोड़ा सा अच्छा लगा ये क्वेश्चन रियली में एज कंपेयर टू बाकी क्वेश्चन के, मैंने कहा था मेरे बच्चे जो गेन करेगा आज वो देगा। लिख दो जरा आप यहाँ पे एक मंत्र लिखो, एक मंत्र मंत्र लिखे आप यहाँ पे मंत्र, जो फ्यूचर में भविष्य में गेन करेगा करेगा वो आज देगा, देगा मतलब क्या, उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, उसके अकाउंट से निकाल लेंगे। एंड जो फ्यूचर में मतलब भविष्य में सेक्रीफाइस करेगा वो आज लेगा, मतलब क्रेडिट करेंगे, कब चाहे वो चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो,
और डेथ हो, हमेशा मेरे बच्चे। जो कल को खुश होगा आज हम उसको दुख दे देंगे, हिसाब बराबर। और जो कल को दुख झेलेगा, सेक्रीफाइस करेगा, आज हम उसको खुश कर देंगे तो उसका भी हिसाब बराबर। यही मेरा काम है। और कोई पूछ दे कि ये मंत्र किसने दिया, तो मंत्र कह देना गिवन बाय संतोष सर। आपको नहीं पता मैं कितना बड़ा वो क्या बोलते हैं वो जो नहीं झाड़फूँक करते हैं, भूल गया क्या बोलते वो, और जो झाड़फूँक करते हैं मंत्र सब करते हैं, वो जो मंत्र पढ़ते रहते हैं, समझ गया ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं तांत्रिक हूँ। मैंने इतने सारे मंत्र आपके लिए बना के रखे हैं कि जब चाहूँ तब मैं आपको जैसे चाहूँ वैसे मोल्ड कर सकता हूँ। आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार मुझे फ़ोन कर लेना, मैं जब चाहूँ मंत्र पढ़ के आपके सर को पीछे कर सकता हूँ और आपके पीछे वाले सर को आगे कर सकता हूँ। मेरी शक्ति है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तांत्रिक हूँ मैं, तांत्रिक। मेरी बात को मानो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपका दिमाग खराब है तो मैं सही कर सकता हूँ, सही है तो मैं उसको और ख़राब कर सकता हूँ। मेरे हाथ में, मेरे मुट्ठी में हुआ, बस इतना समझ लो। खैर चलो, मैं इन सब चीज़ों से दूर निकलता हूँ मेरे बच्चे, मैं इन सब चीज़ों से दूर निकलता हूँ और फिर मैं आपको और कहीं आगे लेके चलता हूँ, और कहीं आगे। मेरे बच्चों सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। एक बैलेंस शीट मैं दिखाऊँ यहाँ पे डायग्राम से। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो कहता है 3:1 का। आज कहता है कि ए रिटायर कर गया, ए रिटायर, और कहता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं बता रहा। तो मतलब ए के जाने के बाद बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ये कहीं डाउट ना हो कि गेन जो होगा, गेनिंग रेशियो, मेरे बच्चे आगे कुछ ना बताया तो हम क्या करेंगे, 2:1 ही करेंगे। मैं एक्चुअली कुछ और बातें करना चाहता हूँ, पता क्या बोलना चाहता हूँ। कहता है कि इसके ठीक पहले, जिस दिन ए का रिटायरमेंट हुआ, ये 1/4 मान लो 2019 है, इसके ठीक पहले जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में कहता है कि एक गुडविल पड़ा हुआ है। ओहो, ये भी कोई नया चीज़ नहीं है आपके लिए, ये भी आप जानते हैं। कहते हैं कि गुडविल पड़ा हुआ है यहाँ पे पहले से। और आज जो है, जब वो रिटायर हुआ ए, तो गुडविल कहता है, गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट ₹2,40,000। मेरे बच्चे इस दिन की बात कर रहा हूँ, ध्यान समझना। आज जब ए का रिटायरमेंट हुआ तो गुडविल 2.40 का है। ठीक इसके पहले, मतलब पुराने बैलेंस शीट में, दिस इज ओल्ड बैलेंस शीट, का मतलब कि ए के पहले गुडविल जो है 60,000 का है। तो इसको कहा जाता है गुडविल अपीयर्स। ये गुडविल पहले से आपका अपीयर कहता है कितने पे, 60 पे। बोलता बताओ क्या करेंगे। अरे कैसे बताऊँ, कई बार समझाया है और मुझे लगता है कि आपने आंसर कर भी लिया होगा। मेरे बच्चे अगर पहले से कोई गुडविल बैलेंस शीट में है तो पहले हमें इसको हटाना होगा, क्योंकि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है हम उसको बुक में नहीं दिखा सकते। अगर दिख रहा तो उसको हटाओ। कैसे हटाएंगे मेरे बच्चे, जरा बताओ। ये जो पहले जो बैलेंस शीट बना था, ये गुडविल को दिखाने में बैलेंस शीट में पार्टनर्स कौन कौन थे, ए बी सी, किस रेशियो में थे, 3:1। तो हम इसको क्या नाम देते हैं, ये ओल्ड गुडविल है। आप क्या करोगे, पहला काम इस गुडविल को हटा दो, मतलब हटा दो बैलेंस शीट से। जब ये हटाएंगे तो पार्टनर्स भी कम करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना, पहले एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जैसे हम एडमिशन में क्या करते थे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। हमने ए बी सी के कैपिटल को डेबिट कर लिया और हम लोग टू गुडविल, यानी कि आप यहाँ पे जो 60,000 का अमाउंट है मेरे बच्चे, ओल्ड रेशियो में हटा दो, 30,000, 20,000, 10,000। और मैं नरेशन से आपको बता दूँ हमने क्या किया, बीइंग ओल्ड गुडविल जो पहले से बैलेंस शीट में होगा, रिटर्न ऑफ हमने हटा दिया, रिटर्न ऑफ मतलब बुक से हटा देना, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। आपने ओल्ड गुडविल को
ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हटा दिया, क्योंकि मेरे बच्चे पहले से बैलेंस शीट में जो भी कुछ होता है, रिजर्व हो जाए, गुडविल हो जाए, लॉस हो जाए, वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में था, ओल्ड रेशियो में। तो पहले वो पाप जो आज तक हम करते आ रहे थे, जो हम AS 26 को फॉलो नहीं करते थे, हम उस गुडविल को पहले हटा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अपना वही काम, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सेकेंड वाली एंट्री में आप गेनिंग पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर गेन कर रहा है, बी एंड सी। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी भी गेन कर रहा है, जो फ्यूचर में गेन करेगा आज हम उससे पैसा ले लेंगे, और जो अपना सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चे, यानी कि ए, उसको हम आज दे देंगे, ताकि बाद में झगड़े ना हो। जरा बताओ कि पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ, किसी का भी निकाल सकते हैं, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो सर 3/6, क्योंकि जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो इसका ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। तो 2,40,000 में इसका सेक्रीफाइस हो गया 3/6, यानी कि 1,20,000। अब ये 120 जो सेक्रीफाइस कर रहा है, 20 देंगे अपने गेनिंग रेशियो में, क्योंकि हमें गेनिंग रेशियो पता है। तो 120 का 2:1, 1,20,000 का 2/3 कितना हो गया, 80,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40,000। 1,20,000 का आपका 1/3। तो ये काम कर लो, या तो ऐसे कर लो, या फिर अगर आप शेयर में करना चाहो तो शेयर में, बट आप जब गेनिंग रेशियो पता है तो 120 को हम रेशियो में डिवाइड कर देंगे, क्या जाता है। अगर शेयर करेंगे तो पूरा आपका शेयर निकालना पड़ेगा, पहले रेशियो जानना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात यहाँ पे सर। हाँ, तो फिर एक काम करो आप, जब अभी अभी हमारे पास टाइम है, एक क्वेश्चन में करा दूँ आपको यहाँ पे, 18 क्वेश्चन पे आप आइए, 18 क्वेश्चन देखिए जरा यहाँ पे जल्दी से, मैं इसको मिटा दूँ। जो बीच में क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उसका एक रीज़न है, वो रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँगा बाद में, अभी उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं अलग से जो मैं समझाऊँगा, आप चिंता ना करो। पहले 18 क्वेश्चन पे आओ। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग 2, 3, 5, गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक एट द वैल्यू। ओहो, गुडविल अपियरिंग, मेरे बच्चे ये वही जो अभी क्वेश्चन कराया था, जब भी कहता है गुडविल अपियरिंग है, यानी कि बैलेंस शीट में दिख रहा है, पुराने बैलेंस शीट में, हम इसको हमेशा हटा देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, इन द ओल्ड रेशियो। फिर कहता है कि एक्स रिटायर एंड ऑन दैट डेट, कहता है गुडविल को वैल्यू किया गया 45,000 पे। YZ कहता है कि फ्यूचर प्रॉफिट हमारा इक्वली होगा, तो कोई नहीं, आप एक काम करो, 18 के अंदर में पहले मैं एंट्री आपको दिखाऊं, और मैं बिना देर किए बगैर ये जो ओल्ड गुडविल है ना 50,000 का, पहले उसको हटा दूंगा ओल्ड रेशियो में। तो X इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Y इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। जब भी कहता है अपियरिंग, यानी कि ये ओल्ड गुडविल है जो पहले से अपियर कर रहा है मेरे बच्चे, और वो क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स तीनों थे पहले के बैलेंस शीट में, तो हम तीनों के बीच में हटा देंगे टू गुडविल अकाउंट। इट्स वेरी सिंपल, गुडविल जो पहले से 50,000 रुपये हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, एक्चुअली दिखाना मना है, तो हम उसको हटा देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 2, 3, 5, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 10,000, 15,000, 25,000। आप चाहो तो लिख दो नरेशन मेरे साथ यहाँ पे, बींग ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, हमेशा ही होगा, हमेशा, चाहे वो फंडामेंटल हो, एडमिशन रिटायरमेंट कुछ भी हो, हमेशा ही होगा बच्चे, चाहे डेथ हो, हमेशा पुराने को हटा दो। अब दूसरी एंट्री आप जानते हो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मैं काम करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे गेनिंग रेशियो जानना पड़ेगा, तो दूसरी एंट्री का जगह छोड़ के फिर मैं क्या करता हूँ, वर्किंग नोट्स रेडी करता हूँ। नंबर वन, ये एग्जाम में क्वेश्चन करने का ऐसा तरीका होता है, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो आपका, ठीक है ना। बताइए पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स कौन कौन है, तो XYZ। ओल्ड रेशियो जरा बताना, ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है जी, तो सर कहता है कि आपका 2, 3, 5, यानी कि 2/10, 3/10, 5/10 आपका। न्यू रेशियो में जरा बताओ कौन चला गया XYZ में से,
एक सिडार हो गया, हटा दो इसको। और नया रेशो वाई जेड का क्या बता रहा आपको, पढ़ो ना पढ़ो ना, वाई जेड का इक्वली कह रहा है मेरे बच्चे, यानी कि 1/2 1/2, आधा आधा। तो गेन क्या निकल के आया, ये तो बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है, -2/10 आ जाएगा, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका 1/2 न्यू माइनस ओल्ड 3/10 है ना, तो 10 आ गया, 5 जा 2/10 हो गया। और यहाँ पे 1/2 माइनस 5/10 10 हो गया, तो 2 5 जा 5 0, ओहो ये सेक्रीफाइस, ये गेन कर रहा है। तो ठीक है, ऐसा तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जो गेन करेगा वो देगा, तो उसके अकाउंट से माइनस कर लो, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और जो सेक्रीफाइस कर रहा उसको मिलेगा एक्सेज कैपिटल अकाउंट। बताओ जरा आज गुडविल कितना वैल्यू किया गया है, 45,000, कोई भी एक ले लो, 45,000 का आपका सेक्रीफाइस 2/10 है, 9,000, तो आपका भी कितना आएगा 9,000, आप देख लेना, जब 2/10 निकालोगे तो वही अमाउंट निकल के आएगा। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। मन कर रहा है कुछ मस्त क्वेश्चन ढूंढू, मस्त क्वेश्चन, बट ढूंढू भी तो कहाँ ढूंढू, कहाँ से ढूंढू, बताओ जरा, ये सब चीज़ तो आप जानते हो अभी यहाँ पे। चलो एक एक काम करते हैं, वो 19 क्वेश्चन जो है एक वो भी देख लेते हैं, थोड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन हो जाएगा, जहाँ पे गुडविल को वैल्यू भी करना है, और फिर तो फिर बस मस्ती है हमारे यहाँ पे। आप देख रहे हो स्पीड आपका अपने आप तेज हो चुका है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, आप घर में बैठे हो लेकिन आपका पैर ऐसे दौड़ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। आओ ना एक बार हम देखें यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रहा है, थोड़ा सा हम कूल माइंड से काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे गुडविल का शायद वैल्यूएशन भी है, तो सुनो जरा क्या बता रहा है यहाँ पे। अर्जुन भीम एंड नकुल, वो थे ना महाभारत में या रामायण में, नहीं रामायण में राम जी थे, तो ये महाभारत के लोग रहे होंगे, पांडव थे हमारे, ये हमारे महाभारत के हिसाब से। अर्जुन भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 14, 5 and 6, भीम रिटायर्स एंड सरेंडर 5/25 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन, रिमेनिंग शेयर कहता है इन फेवर ऑफ नकुल। अच्छा, गुडविल कहता है कि फर्म का वैल्यू किया गया है 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, जो 50, 55, 60 बता रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट कहता है फॉर द सिमिलर फर्म आपका 30,000 है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक एट 75। अब प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर कहता है आफ्टर भीम रिटायरमेंट 1 lakh है, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड दिस मस्ट क्वेश्चन है, मतलब मस्ट क्वेश्चन कहा जा सकता है आपके लेवल में, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो ये बच्चे का क्वेश्चन लगेगा। खैर चलिए मैं ज़्यादा अभी टाइम नहीं लगाता, मैं पहले यहाँ पे गेनिंग रेशियो पता कर लूँ, कंप्यूटेशन ऑफ लिखिए मेरे साथ, गेनिंग गेनिंग एंड न्यू रेशियो, न्यू रेशियो मैं ये निकाल दूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स के नाम, कई सारे क्वेश्चन में काम है तो मैं देखूँगा आपको बताऊँगा कहाँ पे क्या होगा। अर्जुन भीम एंड नकुल, अर्जुन है भीम एंड नकुल, तीन पार्टनर्स है। ओल्ड रेशियो जो आपका है मेरे बच्चे, ओल्ड रेशियो कहता है इनका 14, 5 and 6, तो 14/25 हो गया, 14/25, 5/25 and 6/25, 14, 5 and 6 हो गया। भीम का रिटायरमेंट हो गया, भीम का रिटायरमेंट इसको हटा दो, मतलब न्यू में से ये भीम बेचारा चला गया, भीम का रिटायरमेंट हो गया। और कहता है कि सरेंडर 5/25 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन, बच्चे 5/25 का मतलब हो गया 1/5, कौन उतना बड़ा लिखेगा ये लिख दो। कहता कि भीम ने अपने शेयर का सरेंडर कर दिया, ओह एक मिनट ध्यान से लैंग्वेज पाना पड़ेगा, इसने अपने शेयर का 1/5 जो है 5/25 सरेंडर दे दिया, सरेंडर मतलब देना होता है, किसको दिया, अर्जुन को। तो बच्चे यानी कि इसका गेन कितना हो गया,
किया था हमने पिछली क्लास में 5/25 का 1/5। आपने क्या किया, अपने शेयर का 5/25 यानी कि 1/5 इनको दे दिया, तो इनका गेन कितना हो गया जी 5/125, इतना गेन किया इन्होंने। तो चलो बताओ, अगर गेन, यहां लिख देता हूं मैं, गेन ऑफ अर्जुन 5/120, इसको भी छोटा कर दूं क्या 5/1, ये देखो ना, अगर हम इसको देखें तो इतना बड़ा क्यों करें, 5/5 कैंसिल हो गया यानी कि 1/25, उतना बड़ा कौन लिखेगा, गेन ऑफ अर्जुन आपका 1/25 हो गया। तो चलो बताओ रिमेनिंग शेयर ऑफ भीम कितना बच गया, भीम का टोटल शेयर 5/25 था और इसमें 1/25 अगर उसने ले लिया आपसे तो कितना बच गया 4/25। इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, तो कह रहा मेरे बच्चे ये जो रिमेनिंग बच गया ना वो कौन ले लिया जी, नकुल ले लिया। अच्छा, यानी कि रिमेनिंग शेयर जो भीम का ये गिवन टू नकुल, तो ये नकुल का गेन हो गया जितना नकुल को मिल गया। तो नकुल के आगे लिख दो यहां पे 4/25, ठीक है ना, बस अब न्यू रेशियो निकाल लो, 14/25 पहले आपको मिलता था, 1/25 आपने गेन किया तो ये 15/25 हो गया, ये तो चला गया। 6/25 पहले से आपका था, 4/25 आपने गेन किया तो ये 10/25 आपका हो गया। इसका मतलब मेरे बच्चे जो हमारा न्यू रेशियो निकल के आया, मैं लिख दूं यहाँ पे 15:10 और हम कह सकते हैं 3:2। अगर हम बात गेनिंग रेशियो की करेंगे, गेनिंग रेशियो की अगर हम करते हैं तो ये आ गया 1:4। आपको एक ही चीज़ ध्यान देना होगा, जब भी रेशियो लिखोगे तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और ओल्ड रेशियो जो हमें पहले से पता था वो 14:5:6 हो गया। हमने निकाला, क्यों निकाला, क्या हुआ, वो बात की बात, बस हम क्वेश्चन को जैसे जैसे आ रहा हम उसको किए जा रहे हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो चीज़ काम कर लिया। अब मैं क्वेश्चन में एंट्रीज पास करने के पहले गुडविल को भी वैल्यू कर लेता हूँ। तो आइए हमारा दूसरा काम यहाँ पे कंप्यूटेशन, दूसरा काम यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, हम यहाँ पे गुडविल को वैल्यू कर लेते हैं। जरा बताओ क्वेश्चन के मुताबिक, मैंने ये सब बातें बताई हुई पहले से आपको, पढ़ा था हमने गुडविल का वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट कितना है बताइए, एवरेज कितना है, तो 50, 55, 60, तीन प्रॉफिट है, 50,000, 55,000 एंड 60,000, तीन साल यानी कि डिवाइड होगा 3 से, 55 आ गया एवरेज। और क्वेश्चन के अंदर में आप देखिए नॉर्मल प्रॉफिट मेरे बच्चे आपको ऑलरेडी निकाल के वो बता रहा है, आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना जी 30,000, ये 30,000। इसका मतलब कि आपका सुपर प्रॉफिट जो निकल के आया, दूसरों से जो ज़्यादा आप कमा रहे हो, 55 - 30 यानी कि 25,000। तो जब गुडविल को हम वैल्यू करेंगे, गुडविल किसका वैल्यू कर रहे हैं, ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल को, तो मेरे बच्चे ये कहता है 2 ईयर्स परचेज प्राइस यानी कि 25,000 × 2 ये 50,000 हो गया। अभी तक हमने ट्रीटमेंट की कुछ बात ही नहीं की है, क्वेश्चन बोले जा रहा हम उसको किए जा रहे हैं, गुडविल निकाल दिए, रेशियो निकाल दिए, अब हम एंट्रीज में आएंगे। और ध्यान देना क्वेश्चन में आपको कह रहा है मेरे बच्चे, जहाँ पे 30,000 का फिगर कोट किया है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स। अच्छा, अब मैं डायग्राम से आपको समझाऊँ, ये लीजिए पहले से तीन पार्टनर थे, एक था अर्जुन, आप ही डायग्राम बना लो, एक था भीम और एक था नकुल, इनका रेशियो पहले से 14:5:6 का था, आज भीम चला गया, तो मेरे बच्चे अब रह गया अर्जुन और दूसरा रह गया नकुल, इनका रेशियो क्या बन गया, नया वाला आपका नया रेशियो 3:2 आपका, ठीक है। आज हमने गुडविल जो वैल्यू किया है, गुडविल ऑफ फर्म, वो कितना निकल के आ गया 50,000। और क्वेश्चन कहता है कि जो पुराना बैलेंस शीट है, पुराने बैलेंस शीट में गुडविल पहले से अपीयर कर रही है,
ध्यान से पढ़ना, गुडविल कहता है कि अपीयर कर रहा है एट 75,000। मेरे बच्चे 75,000 पे गुडविल पहले से अपीयर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका तीन पार्टनर्स था, ओल्ड रेशियो, नया रेशियो, आज गुडविल इतना, पहले से 75,000। और सुनो ना, जब बात डायग्राम की उठी है तो पूरी बात समझ लो, जरा पढ़ना वो 75,000 के बाद क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा 75,000 के बाद लास्ट में सेकंड लास्ट लाइन बचे, प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम रिटायरमेंट। ओहो, भीम के रिटायरमेंट के बाद मेरे बच्चे जो प्रॉफिट एक साल का, मतलब ये मान लो एक साल का पीरियड है, कहता है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया है फर्म ने, वो कितना कमाया है जी, 1 लाख रुपीज का अमाउंट, 1 लाख का अमाउंट, ये है मेरे बच्चे क्वेश्चन। बोलता कि बताओ क्या करेंगे, आओ ना, मुझे पता है इसमें पता क्या हुआ, गुडविल का वैल्यूएशन, आपका वो फंडामेंटल में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, ट्रीटमेंट सब इसने मिला दिया, सब मिला दिया। लेकिन मैं जानता हूँ आप यहाँ पे परेशान नहीं हो सकते, मैं काम करता हूँ इसको मिटा देता हूँ, मुझे अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड गेनिंग में नीचे लिख चुका हूँ। आओ जरा, अब हम यहाँ पे विल स्टार्ट पासिंग जर्नल एंट्रीज, हमें एंट्री शुरू करना है। पहला एंट्री, पहले तो इस गुडविल को हटा दो, जो गुडविल पहले से है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, यानी कि अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल कम होना डेबिट होता है, भीम कैपिटल अकाउंट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वो नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरे बच्चे ओल्ड पार्टनर्स को एंड टू गुडविल अकाउंट, मतलब जो पहले से गुडविल बैलेंस शीट में है हमने उसको हटा दिया। तो ये 75 हटाऊंगा, रेशियो 14:5:6 का, बताओ कितना कितना आ जाएगा, क्योंकि हम इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हटाते हैं, तो 75,000 इंटू 14 डिवाइड बाई 25, ये आ गया मेरे बच्चे 42,000 का अमाउंट। फिर आपका यहाँ पे 75,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया 15,000 का अमाउंट, एंड 75,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया 18,000 का अमाउंट। लीजिए, हमने पहले इस गुडविल को हटाने का, जो पहले से पाप चलते आ रहे थे, इट वॉज पाप मेरे बच्चे, पाप, ये पाप हमने धो दिया, ये पाप कैसे लिखते हैं, पाप, यही ना, AS 26 बोलता है कि आप गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, हमने हटा दिया। अब उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद अब मैं इसके लिए विल पास टेबल एंट्री, और आप जानते हैं टेबल एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स, तो गेनिंग कौन कौन था जी, अर्जुन, रिश्व निकाला था ना, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और गेन किसने किया था, नकुल, ये दोनों पार्टनर्स रह गए थे, तो इन्होंने गेन किया था, और सेक्रीफाइस किसने किया, भीम बेचारा जो रिटायर हो गया हमारे महाभारत से, भीम कैपिटल अकाउंट। तो आओ ना, ये जो 50,000 का अमाउंट है, जरा बताओ 50 में भीम कितना छोड़ के जा रहा है, तो भीम का रेशियो क्या था जी, ये 5:25 है ना, तो 5:25 यानी कि आपका 10,000, और ये 10,000 जो भीम को यहाँ पे आपको मिलेगा, ये कौन देगा, दोनों गेनिंग 1:4 में, तो ये आपका 2,000 कैसे आया, 10,000 का 1/5, और आपका आपका 10,000 का आप कितना देंगे, तो 4/5 यानी कि 8,000 का अमाउंट। अर्जुन नकुल टू भीम, ये भी काम पूरा किया हमने, बात समझ आ रही है। तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, हमने क्या किया यहाँ पे, इनका भी काम पूरा कर दिया, ये ओल्ड गुडविल को हटा दिया, और जो आज गुडविल वैल्यू किया था उसका भी हमने ट्रीटमेंट खत्म कर दिया। नाउ द थर्ड एंट्री, पर बच्चे वो आज से एक साल बाद, ये देखो जब वो रिटायर कर गया उसके एक साल बाद फर्म ने प्रॉफिट कमाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रॉफिट आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कमाया हमने प्रॉफिट, 1 लाख। आप मुझे बताओ ये 1 लाख किसको मिलेगा, सर कॉमन सेंस, अर्जुन नकुल को,
भीम तो चला गया, अब उसको क्यों मिलेगा, अपना सब कुछ लेकर चला गया जी, यहीं चला गया। तो एक साल जो अब हमने प्रॉफिट कमाया, हम लोगों ने मेहनत किया है, हमारा शेयर है 3:2 में, मतलब न्यू रेशियो में। तो आपने क्या करना है, ये 1,00,000 रुपये अर्जुन, समझ रहे हो ना, अरे जो प्रॉफिट हमने कमाया वो अर्जुन और नकुल को मिलेगा, भीम को तो मिलना नहीं है। जो झगड़ा हो सकता था वो गुडविल के नाम हम पहले दे चुके हैं आपको। तो आप इसको कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में, अब जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा न्यू रेशियो में 3:2, यानी कि 60,000 and 40,000, ये थर्ड एंट्री हमारी होगी। मैंने बीच में डाल दिया, पहली एंट्री के बीच में ये, दूसरी एंड तीसरी एंट्री, हो गई बात। आज की क्लास में मज़ा नहीं आया मेरे बच्चे, आपको भी मुझे भी, मैं जानता हूँ। खैर चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास को हम यहीं पर रुकेंगे, गुडविल पे एक क्लास हम अभी और लेके चलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में गुडविल का कॉन्सेप्ट अभी एक आएगा, हिडन गुडविल, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा था, नया कुछ है नहीं, मैंने कहा ना, इसलिए हमारी स्पीड तेज़ हो चुकी है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं और बहुत बहुत बातें समझते हुए। आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस मैंने बोले उसको करके आने हैं। अगली क्लास में हम गुडविल के ट्रीटमेंट पे फोकस करते हुए थोड़ा और अगले टॉपिक में एंट्री करेंगे। तब तक मेरे बच्चे आप लोग मस्ती कीजिए, बहुत मस्ती कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई के साथ मस्ती भी ज़रूरी है, मस्ती के साथ साथ मतलब सब कुछ ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास यहीं रुकते हैं, मैं भी मस्ती करने जाता हूँ, बाय बाय टाटा।